हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो फ्रेंड्स, आज हम आपको है जो अपना खेत में लेके चलेंगे, वहाँ हम आपको है जो ग्वार की फसल है वह दिखाएंगे। ये है जो हमारी गाय बंधी हुई है यहाँ पे खेत में। तो अब हम आप लोगों को है जो अपना खेत दिखाएंगे अच्छे से, और जो ग्वार है हमारे खेत में उसकी फसल को अच्छे से दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये जो सामने हम जा रहे हैं, यह है ग्वार है। तो यहाँ पे देखो फलियाँ लगी हुई हैं, ग्वार फली लगी हुई हैं। यदि आप राजस्थान से हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो ग्वार फली को खाने की उसकी सब्जी है उसको बहुत ही पसंद करते हैं। और यह है जो तिल की फसल भी है साथ में, बीच बीच में जो तिल डाले हुए हैं, तो इनके जो तिल लगे हुए हैं ग्रीन ग्रीन देख सकते हो आपको, अभी यह जो है पके नहीं हैं। तो हम खेत में आज इसलिए आए हैं कि हमें जो ग्वार फली है वह तोड़ के ले जाएंगे खेत से। इनकी सब्जी है जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और आपको बता दें कि इस ग्वार की जो बुआई है वह है जून जुलाई में की जाती है, और इस समय है जो कुछ दिनों में कटाई की जाएगी। अभी वैसे तो ये हरा ही है, कुछ समय लगेगा, 10 या 15 दिन या इससे ज़्यादा, 1 मंथ भी लग सकता है इसकी कटाई करने के लिए। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स, किस किसने है जो ग्वार फली की सब्जी है वह खाई है। देखिए कितनी अच्छी फसल है, और इसमें है जो ग्वार फली कितनी अच्छे से लगी हुई है आप देख सकते हैं। इस बार है जो ग्वार की जो फसल है बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसकी बुआई है जो बहुत ही अच्छे समय में हो गई थी, और इसमें बारिश भी है जल्दी से होने लगी थी। बारिश की इस बार कोई कमी नहीं रही थी। बारिश यदि टाइम पे हो जाए तो जो फसल अच्छी हो जाती है, किसानों को बहुत ही अच्छा फायदा भी हो जाता है। तो हम यहाँ पे जो अब ग्वार फली है वह तोड़ेंगे। तो आप देख सकते हो किस तरह से है जो ग्वार फली है वह तोड़ी जाती है, फिर इनकी सब्जी है जो बनाई जाती है। तो वैसे हम तो 1 या 2 दिन से है जो ये सब्जी बना लेते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है इनकी सब्जी। किन किन लोगों को है जो ग्वार फली की सब्जी पसंद है कमेंट करके हमें जो ज़रूर बताना, और पास से देख सकते हो आप किस तरह की होती है ग्वार फली। ज़्यादातर लोग हैं उनको तो पता रहता है कि किस तरह से होती हैं ग्वार फली की खेती और ये सब, और इनकी सब्जी है जो कितनी स्वादिष्ट होती है। तो यहाँ पे हम जो है एक थैले है, बड़ा सा थैला है, उसमें तोड़ रहे हैं। आप सब कैसे हो कमेंट करके हमें जरूर बताना। और साथ में ये भी बताना कि आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वैसे जो ग्वार फिल है उनकी खेती 2 तरीके से की जाती है। जो ये ग्वार है इसकी खेती तो जून जुलाई में की जाती है, और वो एक ग्वार और रहता है उनकी खेती है जो किसी भी टाइम कर सकते हैं। वैसे इसका वैसे समय होता है उसी के हिसाब से हम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपने कभी ग्वार फली की सब्जी नहीं खाई है तो एक बार खा के ज़रूर देखना, फिर बताना आपको कैसी लगी। तो आप अच्छे से देख सकते हो हमारे ग्वार का जो खेत है वह कैसा है। हम आपको हर चीज है जो बहुत ही पास से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारी विलेज लाइफ है जो कैसी चलती है, किस तरह से हम लोग है जो काम करते हैं दिन भर। गांव के लोग हैं वैसे, उनका एक काम है जो ज्यादातर खेतों में होता है, और वे मार्केट से सब्जी नहीं लाते बल्कि वे अपने ही खेत से है जो सब्जी तोड़ते हैं और उनकी सब्जी बना लेते हैं। ताज़ा, एकदम ताज़ा सब्जी मिल जाती है। जो भी सब्जी हमें खानी होती है वह तुरंत हम खेत से लेके आ जाते हैं, बिल्कुल ताज़ा होती है। तो आप ये चारों तरफ से हमारा खेत है बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो।
खेत को हरा भरा देख के बहुत ही अच्छा लगता है। क्या आप लोगों को भी हरियाली पसंद है या खेत पसंद है या नहीं है, हमें कमेंट में आने जरूर बता देना। ओके तो फ्रेंड बाय। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे जो अपना प्यार है बना के रखना। यदि जो भी ये फसल करना चाहता है, इसकी बुआई करना चाहता है, जून जुलाई में करे, और है जो अच्छा बीज लेके आए इसका, देखो कितनी अच्छी है जो फसल है इस बारिश की। यदि अच्छा बीज होगा तो आपकी जो पैदावार है वह भी बहुत ही अच्छी होगी। देखो देख सकते हो आप ही कितनी अच्छी है जो पैदावार दे रहे हैं। इससे जो किसानों को फायदा भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। कभी कभी जो बारिश की कमी हो जाती है उसके कारण से जो किसानों को बहुत नुकसान होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर इस बार है जो बारिश बहुत ही अच्छी थी, तो हमारी फसल है जो बहुत ही अच्छी हुई है। आपको कैसा लगा कमेंट करना। थैंक यू सो मच।